होते हैं बिल्कुल ऐसे ही होता है, लड़की के साथ भी और लड़के के साथ भी हम ऐसे करते हैं, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत है, और फिर खूबसूरती को चार से चांद लगाने के लिए फिर बाकी लोगों से भी बताना फिरती है कि मैं भी खूबसूरत हूँ या मैं बड़ा हैंडसम हूँ, रियाकारी यही है और क्या है। तो खूबसूरत आदमी औरत जो है वो लोगों को बस भीख मांग रहे हैं कि मुझे देख लो, एक दफा नजर फेंको मेरे अंदर, मेकअप करके निकला हूँ, निकली हूँ, फेशियल किया है, कराया है मैंने। अस्सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपके काफी सारे सेशंस में और लेक्चर्स में ये बात बताई गई है कि बच्चों को जो अप्रिशिएट किया जाता है उससे जो है वो सेल्फिश हो जाते हैं मोस्टली, कि आपका जो डोपामाइन है वो ट्रिगर होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम, क्योंकि रिकग्निशन या अप्रिसिएशन जो होती है वो तो आई गेस हर इंसान के लिए एक जरूरी होती है और मोटिवेशन होती है, तो बच्चों को किस तरीके से करेज किया जाए कि उनका डोपामिन जो है वो ट्रिगर ना हो? पहला सवाल तो एक अमूमी बीमारी के तौर पे चार्टर बनाया गया, मैनिफेस्टो है दुनिया का, कि बच्चे को अप्रिसिएट कर करके मोटिवेट करें। क्या अप्रिसिएट करें, ये है असली सवाल। उसके कैरेक्टर के एट्रीब्यूट को अप्रिशिएट करें या उस बंदे को एट्रीब्यूट अप्रिशिएट करें। बच्चे को शुरू से ये ट्रेनिंग देते हैं कि अच्छाई जितनी भी है ना वो अल्लाह ताला का डायरेक्ट हाथ है तेरे ऊपर, ये ट्रेनिंग दें। अच्छा और नेक जितना भी इंसान है वो अल्लाह ताला खुद है, अल्लाह ताला ही कर रहे हैं वो, और जो भी मसले करेगा वो तो खुद अपनी उससे करेगा। तो ये तो आयत सुनाई है मैंने आपको। अब जब सब नेकी अल्लाह की तरफ से आती है और अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब समझ आ रहा था हमें कि जो कुछ अच्छा हो रहा है वो अल्लाह खुद कर रहे हैं, तो फिर आप बताएं क्या अप्रिशिएट करूं इंसान का। मुझे समझ नहीं आती क्या कहूं, तू तू बोलता बहुत अच्छा है या भागता बहुत तेज है या क्या कहूं मैं। और फिर चलो समझ लें बच्चा जहीन बहुत है, क्या किया उसने, हाँ भाई दीदी अपने घर में किचन में अपना दिमाग बनाया उसने और फिट फिट किया अपने अंदर, क्या मतलब कैसे, हाउ डू आई अप्रिशिएट अ ह्यूमन बीइंग आफ्टर नोइंग के सिस्टम है क्या सारा, रियलिटी ऑफ थिंग्स की सिंपल 1% भी पता चल जाए तो मैं किसी इंसान की तारीफ कैसे करूं। मैं आपको फलसफा समझा रहा हूँ, मैं बताऊंगा बच्चों के साथ क्या करना, आप सोचें सही क्या करूँ। लड़की बहुत खूबसूरत है, क्या किया उसने, आंखें बनाई हैं उसने अपनी पेपर पे और फिर 3D प्रिंट लिया अपने, क्या किया उसने, वेयर इज शी, हाउ इज शी और ही रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी गुड, थिंक अबाउट इट। बच्चे के को अल्लाह से दूर करना हो ना तो उसकी किसी भी इंसान को तो उसकी तारीफें शुरू कर दें कि अल्लाह नहीं अल्लाह ताला। मैं आपको बताऊं ना, अगर खाली वो इक्वेशन ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो 200 साल की उम्र कम है, मुझसे वो परम्यूटेशन ड्रॉ नहीं होंगी कि अल्लाह ताला किस तरीके से कार फरमाए मेरे ऊपर, एक के सेल को किस तरीके से डायरेक्टली जिंदगी पहुंच रही है, किस तरीके से शेप ऑफ माय फेस एंड माय स्ट्रक्चर माय थॉट प्रोसेस कम्स टू माय माइंड, माइंड इज अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम माय ब्रेन, सारा का सारा नेटवर्क न्यूरॉन्स, ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आपस में मिलकर सोच कैसे बना रहे हैं, मतलब मैं कैसे, मतलब मैं अपना दिल जबरदस्ती नहीं धड़का रहा ना, ये समझ लें आप। कोई सी मैं तारीफ करूं क्या दिल धड़काता है तू अपना, तो वो कहेगा नहीं मैं खुद नहीं धड़का रहा, खुद ही धड़क रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी के तमाम एट्रीब्यूट्स हैं इंसानों के, कि इंसान खुद अपना दिल नहीं धड़का रहा तो सोच भी इसी तरीके से होती है कि आप अपनी मर्जी से नहीं सोच रहे कुछ, आपकी मर्जी से नहीं आपकी लुक्स बन रही, आपकी मर्जी से नहीं आप अच्छाइयां कर रहे, देयर इज समथिंग एल्स दैट इज गोइंग ऑन। और अल्लाह ने इतनी इतना बड़ा दरवाजा खोल दिया ना कि भलाई तो अपनी मर्जी से करना, इसका मतलब है वो परम्यूटेशन जो है ना उनके एक लूप है, जिस लूप के अंदर जब आप अपनी मर्जी शामिल करने की कोशिश करते हैं तो वो लूप अल्लाह ताला अपने ये समझ लें कि अल्लाह ताला नेकी के सिस्टम को इनएक्टिव कर देते हैं उस बंदे के लिए, कि चल ठीक है फिर तुझे इतना ही शौक है जना का या रिश्वत का या चोरी का या सूद का या अल्लाह से जंग का या किसी को कत्ल करने का या गीबत का या तोहमत का, मतलब इतनी तो तेरे ऊपर वो परम्यूटेशन जो है ना वो सिर्फ अलाउंस तक ही है, तो आ जाएंगे अगर तू इनवोक करेगा, मगर तुझसे करा ही नहीं बिकॉज यू पर्पसली फाइटिंग अगेंस्ट इट। मैं कुछ आयत के थ्रू इस्तदलाल करके बता रहा हूँ कि बस मैं कैसे, जब किस बंदे को वो लड़ियां नजर आ जाए ना जो उसके ऊपर बिजली प्रोवाइड करके उससे काम करवाए, सोचना, सोचने के बाद नीयत बांधना, नीयत बांधने के बाद अमल में लाना, अमल लाने की हिम्मत करना, हिम्मत के बाद अमल कार फरमा हो जाना और फिर उसके बाद वापस रिंस एंड रिपीट, ये सारा का सारा मामला मेरे हाथ में नहीं है। तो कोई पूछे कि फिर नेकी का मतलब इंसानों को फिर जन्नत में क्यों डाला जा रहा है, बस यही सवाल बनता है। तो वो इट वाज लास्ट ऑफ द लास्ट नोड के ऊपर उसको डिसीजन मेकिंग में आता ना कि ये ले चूज कर इनमें से,
बस उस चॉइस के ऊपर जन्नत दोजख होगी, बाकी ज़रा कुछ जो है वो कुछ अल्लाह खुद कर रहे हैं उसके ऊपर मैं उस बंदे की तारीफें शुरू कर दूँ। ये तो था फलसफा। अब रही बात साइंस की, कि एक बच्चे को इस्तकामत देनी हो, मोटिवेट करना हो कि यार ये काम ठीक है, तो उसके काम की तारीफ करें ना। किसने मना किया ये काम ठीक किया आपने, ये तारीफ है, इतनी काफी है। अल्लाह ताला तुझे इसके अंदर इस्तकामत दे। दिस इज समथिंग विच इज एन अमेजिंग वर्क। यू आर एन अमेजिंग मैन, सॉरी यू नॉट एन अमेजिंग मैन, वर्क इज अमेजिंग। ये काम जारी रहना चाहिए और कोई और बंदा तैयार कर जो तेज से भी